डांटो मत जी, मैं समझाए देती हूँ। अब अंधा अंधे को चौराहा पार कराएगा, मैं समझाए देती हूँ। बड़ी आई समझाने वाली। इसमें बिगड़ने की क्या बात हो गई, कौनो दसवीं शादी हो चुकी है उसकी। मैं बताती हूँ, इधर देखो बेटा, तेरा ना रिश्ता तय हो रहा है। बात पक्की हो रही है तेरे ब्याह की। हाँ तो जीजी, मैं क्या करूं? तू ऐसे कर, हिंदुस्तान के बाहर अपनी दादा दीदी के साथ होनोलुलु जला जा। तू, मैं क्या करूं? और जीजा जी, और लुलु लुलु होनोलुलु जाके क्या करूंगा मैं? तू वहां जाके मामा मामा मछलियां पकड़ना, उल्लू का पट्टा। बड़ी आई समझाने वाली, हम समझाते हैं। इधर आवे। तूने जुगनी को देखा है ना? उठाता है झोकरी। हाँ हाँ वो तो का साटन का सूट पहनती है और जागर का दुपट्टा ओढ़े हो तो। अबे तेरे को पसंद है? साटन में मीटर पीछे 4 रुपए का मुनाफा है वो, और जागर में अरे जीजी मुनाफे मुनाफा है वो। अबे यार मैं साटन की बात नहीं कर रहा, मैं साहू की बेटी जुगनी की बात कर रहा हूँ। तुझे जुगनी पसंद है? अगर पसंद है तो आपसे इस तरह कहेगा कहाँ? नहीं जी, पार्लियामेंट में जाके कहेगा। मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कपड़ा फाड़ के। ये मैं कपड़ा क्यों फाड़ू जीता जी, जुगनी ठीक है जी। तो ठीक है, आज शाम तुझे पूरे ठीक 6 बजे तिकुनिया पार्क जाना है। जुगनी वहां आ रही है, आया अकल के सेंटर में कपड़ा फाड़ के पीछे पीछे हटके। हाँ हाँ जीजाजी, 6 बजे तो कपड़ा उठाना उठा जाना है वो हमको, और कपड़ा ना उठो तो डैमेज पड़ जाएगी। ओ पर देखो बेटा, ब्याह की बात भी तो पक्की करनी है ना। जुगनी के बाबा चाहते हैं कि तू बस एक बार लड़की पसंद कर ले। जीजी कपड़ो ना उठो तो मुनाफो आरो रह जाओ। सुन लो इनको, अभी पिछले जुमे को पैदा हुआ और मुझे मुनाफा सिखा लिया। अबे नपूस, ये दुकान, ये घर, ये मुनाफा मुझे तेरे पैदा होने से पहले मालूम है। मुझे पता है ये मेरी साहू के सामने नाक कटवाएगा। अबे बाप, मेरे माल मैं फालाऊंगा या वहीं पड़ा रहेगा कपड़ा फाड़ के। तुझे शाम को ठीक 6 बजे तिकुनिया पार्क जाना है। मैंने साहू से वादा किया है। जीजाजी कल लो, मैं शाम 6 बजे माल उठाने चला जाऊंगा। जुगनी से माय मिलाऊं। हाँ जी, जो मुंह का पट्टा जो मुंह में आता है बस बन देते हो। हाँ देते हो, अंधा कपड़े का और जुबान तो नेता उसी। चला जाएगा शाम को, अब ज्यादा हड़काओ मत उसे। ये क्या उम्र हड़काए साली मेरी जूती। ये ब्याह मेरे बाप का नहीं हो रहा है, ज्यादा हड़काओ मत। चले जाएंगे ये तो किसी को पता नहीं है, डैमेज पड़ गया तो सारा मुनाफो मारो जाओगे। ये लो, और जरा ढंग से जाना। ये क्या? अबे ये पजामा पहन के ना चले जाना कहीं वहां। हमको घर के बाद बिना पजामे के जाएंगे का? अबे लपूस, मेरा मतलब है पतलून शतलून पहन के जाना, शरीफ लड़कों की तरह। हाँ हाँ चिल्लाओ मत, चला जाएगा शाम को, पतलून पहनकर ही चला जाएगा। तुम्हारे बाप दादा तो पतलून पहनकर पैदा हुए थे ना। ओए जीजे, एक का लिखो है गो के लौनिया देखने पजामा पहन के ही जा सकते हैं? नहीं जी, आप अंगोछा लपेट के चले जाइए।